सुनना साहब, बुरा लगे सो लगे, पर एक बात यह है, जैसे बाप बेटा में लड़े हो गए ना, बेटे की शादी हो जाए, बहुरानी आ जाए घर में, और जब कभी कभी बेटा बड़ा बन जाए तो कभी कभी पिता और बेटे की झगड़ा हो जाए, तो ये सब बहुत जगह मैंने देखा है कि वह माता जी भी छोरा बनी बोले टीका बनी बोले, उन्हें डोकरी के इतना भी बहान नहीं है कि परमेश्वर है, ध्यान देना। और जो महाराज जो माताएं ऐसा करती हैं, उन माताओं को बाद में दुख उठाना पड़ता है, वो भी देखा है। जो औलाद आज पिता को बोल रही है, वो औलाद साल दो साल पिताजी का जाने का बाद डोकरी के भी बोलेगा। तो माताओं से भी निवेदन है कि महाराज पति और पत्नी ये रिश्ता विधाता ने लिखा है, बेटो कितने लाड़कों क्यों नहीं हुए, अगर बापरा सामने बोले तो बेटा के घर से निकाल दो जा, और नहीं सहते तो क्या अलग कर दो महाराज, हम दो जना जाते ना तो तरफ बापरा आगे नहीं बोलेगा। ये माताओं का हक है महाराज, और निवेदन है महाराज, पति पत्नी का रिश्ता विधाता ब्रह्मा, विधाता शिव और माँ पार्वती ने बनाया महाराज, इसलिए बेटा का खूब लाड़ लड़ाओ। ऐसा नहीं है बेटे का लाड़ मत लड़ाओ, बहू का लाड़ मत लड़ाओ, पर हाँ पति पत्नी का रिश्ता अलग है। तो ये जो गुणनिधि की जो कथा है, शिव पुराण में जिसको लिखा गया है, रुद्र संहिता में जिसको गाया है, ब्रह्मा जी कह रहे नारद जी जब पंडित जी गए श्रीमती को कहने लगे कि तू कैसे अपने बच्चों को बिगाड़ रखा है, स्कूल नहीं जा रहा है, बोले पंडित जी तुम्हारी गलती है, मेरा बेटा तो स्कूल जाता है, आपको किसी ने सिखा दिया उल्टा। पंडित जी ने उसी समय घर बार छोड़ दिया हमारा, और पंडित जी घर परिवार छोड़कर पंडित जी तो ज्ञानी संन्यास आश्रम में चले गए, और सुनने लगा जिसके पत्नी और जिसका बेटा जिसके आज्ञा में हो, महाराज समझ लो आप भगवान हो, और नहीं है तो हरिद्वार चली जाओ, सब बेची बाची में गंगा जी का किनारे सबके निकाल दो घर से, राधे राधे। कई मतलब है महाराज, द्वारिकाधीश भगवान की